एक जमाना था जब हम भी ऐसे फोटो एडिट करते थे। हाँ, मैंने भी किया ऐसा फोटो एडिट। फिर जमाना थोड़ा चेंज हुआ, फिर मैं ऐसा फोटो एडिट करने लगा। अब यहाँ से यहाँ तक आने मुझे तो लग गया 3 से 4 साल, और ये 3-4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत मीन्स बहुत। लेकिन एक चीज जो मैंने नहीं सीखा था वो था हाउ टू एड रियलिस्टिक रे लाइट इन फोटोज। फिर मेरे अंदर ये चुल मची कि मुझे ये चीज सीखनी है, तो फिर मैं यहाँ वहां मारा हाथ कीबोर्ड पर। अब काफी टाइम खर्च करने के बाद मुझे एप्लीकेशन के बारे में पता चला, जो कि लिटरली पता चलते ही मैंने अपनी बहुत सारे फोटो में इसे यूज करा, एंड ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक भी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को भी इसके बारे में बताया जाए और इस पर एक वीडियो बना दिया जाए कि आप ये अपने फोटो में कैसे ऐसे ही रियलिस्टिक रियल लाइट डाल सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर एंड देखते हैं कि कैसे आप अपने फोटो में ऐसे रियलिस्टिक रियल डाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको चले जाना है प्ले स्टोर पर, और यहाँ से हम सर्च करेंगे LD एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन आ चुका है यहाँ पर। मैंने पहले ही इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया था, इसीलिए यहाँ पर ये ओपन बोल रहा है। आप फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। और फिर हम यहाँ से इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करते ही कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली हम चूज इमेज करते हैं, आपको जो सा फोटो में रे डालना है वो फोटो सिंपली आप ओपन कर लेना। तो ओपन करते ही आपको ऐसा कुछ 4-5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इस ऐप से आप बहुत चीज कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो। फर्स्ट में कलर आपका आता है, तो कलर पर तो आपको फ्री प्रीसेट मिलने वाला है बेसिकली। तो अगर आप चाहते हो कि इसी में हम कलर ग्रेड करें और कोई सा फिल्टर मार ले तो यूज कर सकते हो। तो ये कुछ फिल्टर से आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिलहाल तो मुझे अभी नहीं चाहिए इसमें कोई भी फिल्टर, क्योंकि हम इसे लाइटरूम में एडिट करेंगे। एंड सेकंड में आप लोग देखने को मिलेगा यहाँ पर टेक्स्ट, जो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, अगर आपको चाहिए कि मुझे इसमें अपना कुछ लोगो या फिर नाम रखना है तो आप वो भी रख सकते हो। तो इसे हम सिंपली यहाँ से डिलीट कर देंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो टूल है वो आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि आप यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लाइट है वो आप डाल सकते हो। तो ये लाइट आप बेसिकली तभी यूज कर सकते हो जब भी आपका कोई बाइक वाला फोटो है या कार वाला फोटो है, उसमें आपको लाइट डालना है, अपना हेडलाइट को जलाना है, तो आप इसको सिंपली यूज कर सकते हैं। तो हमें तो ये भी नहीं चाहिए, हमें लाना है यहाँ पर ऊपर से नीचे तक रे। तो इसे हम डिलीट करते हैं और एंड नेक्स्ट वाले टैब में आपको मिलेगा लाइट का रे ओवरले। तो यहाँ से आप ऐसे ही इसे रख के दिखा सकते हैं कि यहाँ से लाइट आ रहा है। तो इसे यूज करके आप अपने फोटो में बहुत ज्यादा कमाल का इफेक्ट डाल सकते हैं। तो अभी हम इसे भी डिलीट करते हैं एंड बढ़ते हैं आगे। एंड नेक्स्ट वाले टैब में आपको मिलेगा यहाँ पर लाइट का ब्लर फ्लेयर। तो आप इस फ्लेयर को यूज करके अपने फोटो का एस्थेटिक में एडिट कर सकते हैं, जैसे कि कोई ग्लास वाला फोटो एंड आप चाहते हैं कि ये फ्लेयर थोड़ा आए और डस्टी सा लगे, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद तो इस वाले ऑप्शन में आपको बहुत ज्यादा ओवरले देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम जाए तो यहाँ पर आपको फॉग देखने को मिलेगा, आप अपने फोटो में बादल बादल लगा सकते हैं एकदम। एंड उसके बाद आपको रेन देखने को मिलेगा, बिन मौसम बरसात भी आप चाहते हो तो आप करा सकते हैं सिंपली। एंड उसके बाद ये स्नो वाला PNG है, तो बहुत ज्यादा ही फीचर्स है इस ऐप में, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको क्या जरूरत है। फिलहाल हम इसे भी डिलीट करते हैं एंड सबसे पहले हम रखते हैं अपना लाइट को। तो लाइट वॉल्यूम में आ जाएंगे, तो यहाँ से हम सिंपली इसे क्लिक करते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा मज़ेदार मुझे एक चीज़ लगा कि आप इसका डायरेक्शन इधर उधर भी कर सकते हो और कितना आपको चाहिए वो भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्लिक करके एंड इसका ब्राइटनेस आपको कितना चाहिए, इतना ब्राइटनेस चाहिए या थोड़ा थोड़ा ब्राइटनेस चाहिए, आप सब अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो इस सब के कारण से ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक देखने में लगता है। कितना सॉफ्टनेस आपको रखना है, थोड़ा सॉफ्ट या हार्ड रखना है लाइट। उसके बाद डायरेक्शन किधर भी इसे मूव कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि इधर लाइट आए इधर लाइट आए, आप अपने अकॉर्डिंग आप जिधर चाहे आप इसे मूव करा सकते हैं एंड दिखा सकते हैं फोटो में कि यहाँ से एक लाइट का सोर्स है और वहाँ से लाइट आ रहा है। फिर आप इसका लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, आपको नीचे तक लाइट चाहिए या फिर सब्जेक्ट के ऊपर ही बस लाइट चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं। एंड एक और फीचर से जो कि बहुत ज्यादा ही कमाल का है वो है टेम्परेचर। तो आप अगर चाहते हो कि ये लाइट है वो येलो बन के आया तो आप यहाँ से येलो भी कर सकते हैं, और चाहते हैं कि ब्लू बन के आया तो आप यहाँ पर ब्लू भी कर सकते हैं। एंड आप इसका सेचुरेशन भी बढ़ा सकते हैं, सेचुरेशन कम चाहिए ज्यादा चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग। एंड अब आता है कलर। अब कलर में आप कैसा चाहते हैं कि लाइट आए, ऊपर से रेड लाइट आए या येलो लाइट आए,
आप RGB कोई सा भी लाइट अपने फोटो में लेकर आ सकते हो। तो अगर आपने सोचा है कि यहाँ से ब्लू लाइट आए और येलो लाइट आए, कुछ भी लाइट आए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसे नॉर्मली रखता हूँ, मुझे ज्यादा अपने फोटो की एडिट नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेक लुक देता है। एंड आप सभी को तो पता है कि मुझे रियलिस्टिक फोटो बहुत ज्यादा पसंद पड़ता है, वो फेक इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पूरा लगे कि रियलिस्टिक है। तो मैं अपने फोटो में यही करता हूँ कि ज्यादा मैं अपने फोटो की एडिट नहीं करता हूँ, मैं अक्सर अपने फोटो को ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हम रियलिस्टिक ही इसे बनाएंगे, ज्यादा ओवर एडिट नहीं करेंगे क्योंकि ओवर एडिट करने के कारण से ये फेक लग सकता है। मुझे सिर्फ एक रियल लाइट चाहिए था जो कि बिल्कुल आ चुका है एंड ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक भी लग रहा है देखने में, और इसे हम और रियलिस्टिक बना सकते हैं इलेक्ट्रो में कलर ग्रेडिंग करके। एंड सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर में एक टैब देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप सिंपली इसे टैप कर दीजिए और JPG मैक्सिमम में आप इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।